वैसे भाई लोग BGMI के नए वाले अपडेट के अंदर पोको X6 प्रो पर आज अपन जी हाँ HDR प्लस 60 FPS ग्राफिक के साथ BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये डिवाइस BGMI के अंदर HDR ग्राफिक्स के साथ कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है विद FPS मीटर। सो पोको X6 प्रो को लेकर मैं सीधे आ गया तलवारबाजी वाले इस खतरनाक इवेंट के ऊपर। वैसे भाई लोग आपका वेलकम है। बिल्कुल वेलकम है आपका HDR ग्राफिक्स के साथ इस गलत सीन से भरे हुए खतरनाक गेम प्ले पर। सो ये पोसाइडन दरवाजा नहीं खोल रहा था। हाल फिलहाल टॉमी प्लस DBS और जस्ट सामने वाले घर पर एक बंदा नॉक। वैसे मैंने यहाँ पर तलवार उठाया और आगे निकल पड़ा। So, मुझे एक बंदे का साउंड आया जो कि इसी घर के अंदर है। और यहाँ पर फाइनली DBS कनेक्ट। यहाँ से आगे जाऊंगा तलवार पकड़कर। ये नीचे से एक बंदा आया सामने वाले घर पर तो यहाँ से आगे बंदे के ऊपर बमबाजी कर रहा था लेकिन ये बंदा नीचे कूद गया था। तो इस बंदे को पकड़कर किया पेटी में तब्दील। सो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद सामने वाले घर पर चिमनी पे था क्योंकि घर पर एक बंदा बैठा हुआ था। और यहाँ पर नीचे वाले घर पर एक और बंदा नॉक जिसको हमारे भाई ने यूजी पेल दिया यहाँ पर। और पीछे से एक बोट आया था तो इस बोट की बना दिया पेटी। वैसे भाई लोग डिवाइस के अंदर आपको डायमंड सिटी 8300 अल्ट्रा का 5G होता है जिसकी परफॉर्मेंस डिवाइस के अंदर अच्छी खासी है। यहाँ से आगे एक और बार सामने वाले बंदे के ऊपर चिमनी फेंका और हाँ डिवाइस का अंतु स्कोर समथिंग 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख के आसपास आता है। ये नीचे से एक बंदा भाग रहा था जो कि नौ इस बंदे को पकड़ते बराबर मैं जाता हूँ आगे। वैसे इस वीडियो पर भाई साहब कोचिंग की पर ऐसा लगेगा आपको टूर्नामेंट खेल रहे हैं भाई साहब। गजब सीन। यहाँ पर एक बोट दो बंदों की पेटियां बना रहा था तो बोट के साथ बंदे भी फिनिश। और यहाँ से आगे जब सीन। वैसे मैंने सोचा था इन बंदों को बड़े हिसाब किताब से पकड़कर पेटी में तब्दील कर दूंगा लेकिन भाई साहब अंदर वाला बंदा बैरल बुरल चला रहा था जिसके चलते मैं नॉक। वैसे हाँ डिवाइस का चिपसेट 4nm पावर एफिशिएंट प्रोसेस के आधार पर बनाया गया है जिसके चलते डिवाइस की बैटरी BGMI के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी खासी चलती है। अंदर एक आध बंदा बस बचा हुआ है भाई साहब। यहाँ से पीछे आकर हीलअप करता हूँ लेकिन हीलअप करने के बीच पर ये बंदे रिवाइव होकर रोटेशन लेकर आ गए। जिसमें से एक बंदा नॉक फिनिश और मेरे ख्याल से कम एक बंदा और बचा हुआ है यहाँ पर। सो हीलअप करने के बाद ये स्प्रेबाजी कर रहा था लेकिन भाई साहब ना जाने कहाँ पर भाग गया ये बंदा। ये सामने से फिर भागा ये अंदर आकर बाहर कूदा। फाइनली ये बंदा फिनिश। वैसे भी लोग डिवाइस की असली पावर इस पर आने वाली रैम और रोम है क्योंकि डिवाइस के अंदर आपको जी हाँ डिवाइस के अंदर आपको LPDDR 5X रैम उसके साथ स्टोरेज 4.0 का सपोर्ट मिलता है। वैसे मैं चढ़ गया था छत के ऊपर। फिलहाल नीचे से एक बोट आ रहा था लेकिन भाई साहब सामने वाला बंदा स्प्रेबाजी जरूर करेगा। ये दूसरा स्प्रेबाज ये भी नॉक तो यहाँ से आ गया। ये तो अभी भी स्प्रेबाजी कर रहा था। सो मेरे ख्याल से इसने अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दिया। इसका टीममेट पेटी में तब्दील और नीचे बंदा गजब सी। और यहाँ पर नीचे वाला बंदा फिनिश। ऊपर एक बंदे को हमारे भाई ने नॉक किए और वो भी नॉक। ये अंदर बैठा हुआ है शायद। वैसे मेरे ख्याल से ये वाला स्क्वाड ये वाले हॉट ड्रॉप का आखिरी स्क्वाड था
ये स्क्वाड फिनिश। तो इस स्क्वाड की पेटी बनाने के बाद मैं जाऊंगा पोचिंग की तरफ, लेकिन पोचिंग की जाने से पहले मुझको साउंड आया, ये नीचे एक बोट खड़ा हुआ था। बोट फिनिश। इस बोट की पेटी बनाकर मैं जाऊंगा आगे। जी हाँ, वैसे भाई लोग डिवाइस पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ पोको X6 प्रो के अंदर HDR ग्राफिक्स के साथ गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डिवाइस पर ऊपर FPS मीटर चालू है भाई साहब। सो फाइनली मैं पहुंच गया पोचिंग की और यहाँ पर होने वाली भाई साहब e-sports लेवल की फाइट, और इन फाइट्स के बीच पर आपको डिवाइस की परफॉर्मेंस का अंदाजा भी लग जाएगा। सो मुझे सिंगल फुट स्टेप आया था जिसके चलते मैं आया था स्क्वाड हाउस, लेकिन भाई साहब यहाँ पर आते बराबर इसके टीममेट भी आ गए यहाँ पर। स्पेशल दुख, जैसा कि आपने देखा ये थे इस मैच के खतरनाक कैंपर भाई साहब। इकट्ठा खड़े होकर कैंपिंग कर रहे लोग, और बंदों की कैंपिंग पता चलने के बाद हमारे मम्मी वाले भाई देखिए इन्होंने भी डाल ली खतरनाक वाली कैंपिंग। यहाँ से आगे जाता हूँ और बड़े हिसाब किताब से नीचे वाले कैंपर के मुंह पर बम फेंका, और यहाँ पर ये कैंपर फूटा नहीं। और एक बंदा गन मशीन चलाते ऊपर आ गया था। ये वाला स्क्वाड खत्म हुआ, लेकिन भाई साहब चर्च के पास से गाड़ी आ गई नीचे। यहाँ पर रिवाइव बजी करेंगे हम लोग। जी हाँ, सामने वाले बंदे रश करने जरूर आएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से बंदे लोग जरूर नीचे रुके हैं, मतलब बाजू वाले घर पर। जी नहीं, ये बंदे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाकर, मेरे कहने का मतलब स्पाइडरमैन के जाले का यूज कर जी हाँ छत पर आ गए थे। जिसमें से एक बंदा पकड़ा और इस बंदे की पेटी में DBS भी खाली। तो यहाँ से आगे बंदों के ऊपर बमबाजी करता हूँ। मेरे ख्याल से बंदे लोग यहीं कहीं पर रिवाइव बाजी कर रहे होंगे। ये बंदे खत्म। हाल फिलहाल मुझको ऐसा लगा यहाँ पर बंदे खत्म हो गए, लेकिन भाई साहब चर्च के पास स्क्वाडो ने लाइन लगा के रखी हुई है कि भाई साहब एक जाओ पेटी बनवाओ, दूसरी जाओ पेटी बनवाओ। जी हाँ, यहाँ से आगे देखिए एक और गाड़ी आ गई। स्प्रेबाजी बर्बाद। सो स्प्रेबाजी करने के बाद मुझे ऐसा लगा ये बंदे लोग भाग गए होंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जोन है नहीं। तो मैं सुकून के साथ पेटी वगैरह लूट रहा था। देखिए वैसे भाई लोग डिवाइस पर आपको वाइल्ड बूस्ट 2.0 का गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, जिसके चलते डिवाइस अच्छा खासा फ्रेम रेट प्रोवाइड करता है। गजब सीन। सो मैं कर रहा था बमबाजी और नीचे वाला बंदा चिमनी फेंक रहा था, इसके पास DBS है। वैसे पीछे से एक और बंदा आया, ये DBS बाज नॉक। और ये दोनों बंदे सीधे पेटी में तब्दील। वैसे भाई लोग डिवाइस ने मेन हुड ट्रप से लेकर अभी तक, जी हाँ, इस स्पोर्ट लेवल वाली फाइट के बीच पर भी अपना फ्रेम रेट मेंटेन करके रखा हुआ था, जिसके चलते भाई साहब मुझको दिक्कत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। वैसे हाँ, पोको के अन्य डिवाइसों की जैसे, जी हाँ, पोको X6 प्रो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बीच पर साउंड को डिले नहीं करता। और ये देखिए स्टंट बाज, ये सिर्फ नॉक हुआ पेटी में और नीचे वाले घरों पर। जी हाँ, स्क्वाड है जिसमें से एक बंदा DP-2P चला रहा था। तो यहाँ से आगे जाऊंगा रोटेशन लेकर वेयर हाउस के पास, और उसके बाद मैं घर के पास। देखिए सिर्फ 2 फुट स्टेप। तो मुझे ऐसा लगा इस घर के अंदर मात्र 2 बंदे होंगे, इनके ऊपर बमबाजी प्लस चिमनी चुमनी फेंक रहा था। यहाँ से आगे हमारे भाई ने एक बम फेंके। जी हाँ, ये देखिए यहाँ से भी बम फेंकता हूँ मैं। एक बंदा ब्लास्ट, जिसका मतलब मात्र एक बंदा बचा होगा अंदर। तो यहाँ से ऊपर जाता हूँ। अरे गजब सीन, ये तो पूरा एक स्क्वाड है। और ये स्क्वाड खत्म। अंदर बैठे हुए 2 बंदों को हमारे भाई ने तलवारबाजी से निपटा दिए। सो एक बंदा हमारे भाई ने बम से उड़ाए थे, दूसरा बंदा मैंने पकड़ा, और 2 बंदे तलवारबाजी से निपटे। ये देखिए पूरा एक स्क्वाड। वैसे इस मैच पर भाई साहब बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट हुई है। एक बंदा भाग गया, मेरे ख्याल से ये बंदा जरूर भाई साहब सामने वाली छत के ऊपर आएगा। गजब सीन। मेरे ख्याल से जो बंदा ऊपर चेका था वो नॉक, हमारे भाई नॉक यहाँ पर, जिनको सामने वाले स्क्वाड के एक बंदे ने नॉक किया यहाँ पर। वैसे ये बंदा जरूर रिवाइव बाजी करने जाएगा। देखिए
ये जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। जो बंदा जा रहा था वो डैमेज, और मैंने जिस बंदे को पहले पकड़ा था वो फिनिश हुआ, और जो बंदा रिवाइव बाजी करने जा रहा था मेरे ख्याल से वो बंदा फिनिश। सामने वाली रिक्स से बंदों ने उसकी पेटी बना दिए। मैं गाड़ी उठा के आ गया यहाँ पर। जी हाँ, सामने वाली रिच पर ये देखिए, लगता है हमारे भाई की तलवार का धार कमजोर। जी हाँ, क्योंकि नॉक वाले बंदे की पेटी मिस। सामने बंदा आ गया भाई साहब, तो इस बंदे के ऊपर बमबाजी करता हूँ सीधे यहाँ पर। और ये बंदा ब्लास्ट, एक और बार बमबाजी वहीं पर। जी हाँ, और आगे जाऊंगा क्योंकि मात्र एक बंदा बचा हुआ है बस। ये रहा ये स्प्रेबाज, सीधे पेटी में तब्दील। वैसे भाई लोग, प्रो की परफॉर्मेंस बीसीएमआई के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है। डिवाइस ने भाई सब एचडीआर ग्राफिक्स के साथ ये वाले पूरे खतरनाक गेम प्ले पर कहीं पर भी एफपीएस को ड्रॉप नहीं किया। साथ ही साथ डिवाइस का फायर रेट पूरे गेम प्ले पर बहुत ज्यादा अच्छा था, और डिवाइस ने पूरे गेम प्ले पर 55 से 60 के बीच पर एचडीआर प्लस 60 एफपीएस ग्राफिक के साथ, जी हाँ, एफपीएस को प्रोवाइड किया। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।